और तीसरे मोर्चे के गठन पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने एक विवादास्पद बयान दिया। मोदी ने तीसरे मोर्चे के नेताओं की तुलना जानवरों से की है। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के बीच की लड़ाई है और इसे लोगों को दो में से एक जगह चुनना पड़ेगा, वो राहुल गांधी के साथ हैं या नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और जो नरेंद्र मोदी के विरोध में होगा वो माना जाएगा कि राहुल गांधी के साथ में। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी जो लहर पूरे देश के अंदर, महंगाई, बेरोजगारी, जो तमाम मुद्दे हैं, तो इसलिए ये लोग हताश होकर एकजुट होने का जो प्रयास कर रहे हैं, जैसे बाढ़ आने पर एक ही नाव पर सब सवार हो जाते हैं, कुत्ता भी बिल्ली भी, एक दूसरे के जो दुश्मन रहते हैं वो भी जान बचाने के लिए एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो इकट्ठा हो जाने से नरेंद्र मोदी का मुकाबला वो नहीं कर पाएंगे। और हमारे संवाददाता पटना से नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं। नीतीश, सुशील कुमार मोदी ने किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जो वो कहना चाह रहे थे शायद उसको लेकर अब आरोप जरूर लगेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सुचारिता, वो जो कहना चाह रहे थे वो अभी पिछले एक दो दिनों में जो एक नया राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि लालू यादव, कांग्रेस और LJP और NCP के बीच गठबंधन की कोशिशें चल रही है। आधिकारिक घोषणा इसकी अभी नहीं हुई है, लेकिन ये बातें बिल्कुल अब साफ हो गई है कि एक बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है बिहार में। तो इसी गठबंधन के संदर्भ में उनसे सवाल पूछा गया था और इस सवाल के जवाब में सुशील मोदी ने जो बातें कही उसको लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से नाव में एक मुसीबत में एक दूसरे के विरोधी भी एक साथ आ जाते हैं, जिस तरह से कुत्ते बिल्ली एक साथ आ जाते हैं, तो जाहिर है वो साफ तौर पर उनका निशाना जहां है वो बिल्कुल स्पष्ट समझा जा सकता है। और निश्चित रूप से RJD या जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं जो एक साथ आ रही हैं उनकी तरफ से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है और इसको सुशील मोदी के इस बयान को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। सुचारिता, धन्यवाद नीतीश आपका।